हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम पावर कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो मैंने यूट्यूब पे बहुत ढूंढी। पावर कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थ्री फेस में उसको कैसे इंटरफेस करते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियो किसी यूट्यूबर ने बनाई नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना दे, और तो मेरा काम भी चल रहा था तो शायद आपको प्रैक्टिकल भी आसानी से हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि इस वीडियो में देख रहे होंगे, तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1, C2 और C3। ठीक है, और जो पहले तो मैं कैपेसिटर के कनेक्शन के बारे में बता दे। तो जैसे आपने तीन कैपेसिटर देख लिया, C1, C2 और C3, और ये C1, C2 और C3, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये पूरे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं समझा देता हूँ कि ये देखो, जो C1 का सेकंड टर्मिनल है वो C2 के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, और C2 का सेकंड टर्मिनल C3 के फर्स्ट वाले से जुड़ा है, और C1 का फर्स्ट टर्मिनल C3 के सेकंड वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो फिर ये यहाँ से दो दो वायर निकले और जिसको अपन ने शॉर्ट कट किया तो सीरीज में बन गए, और सबको मैंने हर 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 जॉइंट को RYB नाम दे के रखा है। आप कुछ भी कह सकते हैं नाम, लेकिन मैंने सीरियल वाइज दिया है नाम, जो कि आपको आसानी हुआ, जो कि मीटर में जोड़ने के लिए, मतलब पावर कैपेसिटर वहाँ पे कैसे जो जोड़ा जाता है, इंटरफेस किया जाता है किटकैट के साथ में थ्री फेस के, ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए अभी इसके बाद मैं कैसे कनेक्शन करता हूँ। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। ये जो आप तीन कैपेसिटर देख रहे हैं, ये 20 kVAr के कैपेसिटर है। ये तीन सीरीज में, इसके पीछे तीन कैपेसिटर है, मतलब 6 कैपेसिटर है, और तीन कैपेसिटर है 10 kVAr के, और पीछे वाले तीन कैपेसिटर 10 kVAr के, मतलब जो टोटल 20 kVAr के कैपेसिटर हो गए। ये तीन कैपेसिटर और तीन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े, फिर ये तीन और पीछे वाले तीन कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। कैपेसिटर कहाँ लगता है? कैपेसिटर पावर कैपेसिटर जो वहाँ पे लग पावर कैपेसिटर वहाँ लगता है जहाँ पे इंडक्टिव लोड का काम ज़्यादा होता है, जैसे कि मशीनरीज में, इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा मोटर का यूज़ होता है, तो वहाँ पे पावर कैपेसिटर लगता है। तो पावर कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो सके इसलिए, और बिजली की बचत भी होती है, उससे 30% तक बिजली की बचत होती है। तो यहाँ की जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, और जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया था उसी तरह के कनेक्शन इसमें भी है। तीन कैपेसिटर आगे है, तीन कैपेसिटर उसके पीछे है, और तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, आगे वाले और पीछे वाले भी सीरीज में है, और फिर दोनों को सीरीज का पैरेलल कर दिया गया। अभी फिर इसके बाद जो ऊपर में फिर आप देख रहे हैं RYB के कनेक्शन निकले हुए हैं, उसको मैं दिखा देता हूँ थोड़ी देर। अभी ये ऊपर के RYB का टर्मिनल देख रहे हो, फिर इस RYB के बीच में दो रजिस्टर लगे हुए हैं। ये रजिस्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब आप मशीनरी से मोटर चालू करें तो आपका कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज इसी वजह से डिस्चार्ज होता है कि जो रजिस्टर लगे उसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर नहीं तो फिर डिस्चार्ज ना करो तो उसका कारण ये होता है कि अगर कोई हाथ लगा दे वहाँ पे तो उसको शॉक लग सकता है या करंट लग सकता है, क्योंकि उस पर करंट स्टोर रहता है, तो इसकी वजह से करंट इसकी वजह से उसको डिस्चार्ज किया जाता है। ये हैवर्स के कैपेसिटर है, ये 20 kVAr के कैपेसिटर है, और ये देख रहे हैं RYB के फेस हमने, ये मतलब जैसे कि वायर निकले RYB के कैपेसिटर से हमने किटकैट के ऊपर में जोड़ दिया। इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाई है, तो मैं बना रहा हूँ, मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए तो इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस तरह की वीडियो बनाना।